अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? कितना खैरियत से होंगे? इमरान के पास आए दोस्तों। कल जो है ना मैं लाहौर गया हुआ था, कुत्ते ने जो है ना कोई चीज़ वगैरह खा ली और बहुत ज़्यादा जो है ना ढीला हुआ हुआ है और मुंह से जो है ना राल घेर रहा है। इमरान का सुबह डॉक्टर आया था और उसे जो है ना चेक भी करके गया, इंजेक्शन वगैरह जो है ना लगा कर गया था, लेकिन दोस्तों अभी भी जो है ना इसकी राल आ रही है। मैं आज उठा भी लेट था, आज ब्लॉग भी जो है हम देर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारा जो ये गुलटरिया डॉग है ना, काफ़ी इसे मसला है। मुझे लगता है या तो मैदे का मसला है या कोई और मसला है इसे। इंजेक्शन वगैरह तो दोस्तों इमरान कर इसे सुबह लग गए थे, लेकिन अभी तक जो है ना कोई फ़र्क नहीं है। राल अभी भी इसके मुंह में से आ रही है और कुत्ता जो है ना अपने पैरों पे भी जो है ना बिल्कुल भी नहीं सही खड़ा, कितना कमज़ोर हो गया देख। दो दिन के अंदर अंदर ही जो है ना सूख गया। पर दूध रखा था लेकिन दूध भी जो है ना दूसरे कुत्ते ने पी लिया, नाक में से दोस्तों इसके खून भी आ रहा है। गुलटरिया डॉग दोस्तों हमारे पास जो है ना ये एक ही है, और आप लोगों को पता है कि बड़ा पुराने छोटे छोटे बच्चे में लेकर आया था चिश्तियाँ से दो, एक तो कोई पकड़ के ले गया था, लेकिन एक जो है ना ये हमारे पास है, लेकिन ये भी आज काफ़ी ढीला हुआ हुआ है, नाक में से खून कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। इमरान को कॉल करते हैं, डॉक्टर को भी कॉल करते हैं। और जो जर्मन शेफर्ड फीमेल है ना दोस्तों, इसको भी इमरान कर रहा है थोड़ा सा जो ना नज़र मार, थोड़ी सी ढीली लग रही है ये भी, लेकिन दोस्तों फिर तो एक्टिव रही है बिल्कुल। आ जा, एक दिन में 200 कुत्ता जो है ना डोन हो जाता है, अगर कोई भी इसे मसला बन जाए ना, खाना पीना छोड़ दे, ऐसे हड्डियाँ निकल आती है। और ये भी देखें कैसे कमज़ोर कमज़ोर लग रही है एक्टिव इमरान करा, खा भी बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ना ढीली है ये। टेम्परेचर चेक करते हैं, इमरान तो दुकान पर बैठा है, वो कहता है थर्मामीटर यहीं पर जो है ना कहीं पड़ा है, खलारा काफ़ी हुआ हुआ है, ये पड़ा डिजिटल है दोस्तों थर्मामीटर, इसका ना टेम्परेचर चेक करते हैं। डॉक्टर को दोस्तों कॉल कर रहा हूँ मैं, लेकिन डॉक्टर जो है ना कॉल उठा नहीं रहा, जैसे उससे रबता होता है ना इसको मैं फौरी तौर पे चेक करवाता हूँ। ये ऐसे करते हैं, डॉक्टर शकील से रबता करते हैं, अगर वो दुकान पे है तो वहाँ पे ये गुलटरिया डॉग को ना लेके चलते हैं। पहले ऐसे करते हैं, जर्मन शेफर्ड जो फीमेल है ना इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। मुझे जो है ना इसके बुखार लग रहा है, कानों पर भी हाथ लगा के देखें, रुक जा बैठ जा आराम से बैठ। थर्मामीटर मैंने लगाया हुआ है, देखते हैं इसे कितना बुखार है या नहीं है। मेरे आइडिया से तो मुझे लग रहा है टेम्परेचर जो है ना चेक कर लेते हैं एहतियातन तौर पे। कोट भी दोस्तों माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त आ रहा है इस फीमेल का, आपको पता है इसी जैसे हम वहाँ पे लेके नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इतनी जगह नहीं, और यहाँ पे ये खुली फिरती रहती है, बड़ी ही खुश है यहाँ पे, वहाँ पे डरती भी बहुत ज़्यादा थी। टेम्परेचर आ गया जी, टेम्परेचर जो है ना इसको है थोड़ा सा बुखार, 106.5 है। एक एंटीबायोटिक जो है इंजेक्शन पड़ा था मेरे पास, वो मैं लेकर आया था, पीटी के जो है ना लगाते थे, ये ला के रखा हुआ मैंने, ऑक्सीडल की जगह जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त इंजेक्शन है। और ऐसे करते हैं इसे एक सीसी जो है ना ये इंजेक्शन लगा देते हैं, सिरिंज भी मैं साथ ही लेकर आया हूँ घर से, क्योंकि मुझे पता था अगर ये थोड़ी सी भी ढीली हुई ना जैसे इमरान बता रहा था इसे जो है ना इंजेक्शन लगा देंगे। ऐसे करते हैं मैंने इसे इंजेक्शन ये लगा देता हूँ, इंजेक्शन दोस्तों मैंने ना इसे लगा दिया, इंशाल्लाह ये इसी से सेट हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं है बुखार, लेकिन जैसे थोड़ी थोड़ी ढीली लग रही है ना, थोड़ी थोड़ी ये डोल रही है, मैंने इंजेक्शन ये इसे लगा दिया। खड़ी हो आ जा, थोड़ा सा लंगड़ाएगी, इंजेक्शन लगा है ना, अभी थोड़ी देर में ना ये सेट हो जाएगी। इंजेक्शन तो दोस्तों जर्मन को लग गया, थर्मामीटर और इंजेक्शन जो है ना हम यहीं पर रख देते हैं। इंजेक्शन तो मैं घर से ही लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं अक्सर पीटी थे ना उनके लिए मैंने ला के रखा हुआ था। इंजेक्शन दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त है, इसको मैंने यहीं पर बंद कर दिया अंदर, इमरान के अंदर बाहर खुला ना छोड़ी, अंदर ही रहने दे इसे, और अंदर मैंने बंद कर दिया। बोरियाँ वगैरह दोस्तों डाली हुई, इमरान जो नहीं यहीं पर बंद करता है, सर्दी की इतनी केयर करता है, देखें नई बोरियाँ डाली है, उसके बावजूद जो है ना मसला बन गया। घर से दोस्तों कॉल आ गई है, भाई को जो है ना बाज़ार लेकर जाना है, लेकिन इसे खुला नहीं छोड़ना। इमरान को मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैं इसे खुला छोड़ देता हूँ, कह रहा नहीं खुला नहीं छोड़ना, खुला छोड़ेगा ना तो ये उधर उधर जाएगा, चीज़ों में मुँह मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका जो है ना मुँह भी नहीं खुल रहा। और डॉक्टर शकील से भी दोस्तों रबता हो गया, इमरान कहता मैं आ रहा हूँ गुटरिया डॉग को दोस्तों इमरान जो है ना डॉक्टर के ले जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है रक्षे वाला भी आ जाएगा, जो रक्षे इसके पास खड़े हैं, खुद को तो उसको चलाना नहीं आता, फिर डॉक्टर शकील के पास ले जाएगा, आधे घंटे तक जो है ना जाएगा ये डॉक्टर शकील भी जब तक आ जाएंगे। और दोस्तों हमारी जो रोड वाले फीमेल है ना, इसको भी तकरीबन एक महीने से जो है ना ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी मुझे ना महसूस हो रही है कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके दिन काफ़ी हो गए हैं, लेकिन जो मोती की वाइफ से ना उसको 1 महीना 4 दिन हुए थे, लेकिन इसके दिन जो है ना ज़्यादा हुए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ये नहीं लग रही जितनी ज़्यादा वो शो करवा रही है ना, ये इतनी ज़्यादा शो नहीं करवा रही। पेट जो है ना इसका माशाल्लाह निकला हुआ, लेकिन निप्पल वगैरह जो है ना नहीं है, ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ये देखें मोटी तो माशाल्लाह हुई हुई है, पेट भी जो है ना इसका निकला हुआ है, सेहत उसकी जो है ना ज़बरदस्त हो गई है, क्योंकि खुराक भी अभी अच्छी कर रही है। और बाबलू, बाबलू का भी आपको शौक करवाते हैं,
लेकिन पहले फीमेल दोस्त अलग रहे, बच्चे दे जाए ना मज़ा आ जाएगा। रोटवेलर का जो है ना शौक हमारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और बच्चे भी बहुत ही कमाल के आएंगे, क्योंकि आपको पता कि मेल जो है ना ये बड़ा कमाल का मेल है, ये बाबलू बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका हेड वगैरह है। बाबलू आ जा, देखें जी अब तो मेरी बात भी मानता है, मुझे कुछ भी नहीं कहता, पिंजरा भी जो है इनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त बन गया। दिन के टाइम ये इधर होते हैं, रात को जो है मिरानी ने अंदर कर देता, वहाँ पर होते हैं ये सारे कुत्ते। बोरियाँ वगैरह जो है इनके नीचे डाली हुई है, खुले फिरते हैं ना ये, आपस में लड़ते हैं। वैसे माशाल्लाह एक्टिव है दोनों, मेल भी फीमेल भी, और इन्हें बाहर भी खुला नहीं छोड़ूंगा, दोनों ही हाथ में नहीं आएंगे मेरे, इन्हें यहीं पर जाना फिरने देते हैं। ऐसे करते हैं तो सब घर चलते हैं, भाई की कॉल आई थी, भाई को जो है ना मैंने बाज़ार देकर जाना है, और गुलटरिया डॉग जो है ना ये इमरान आके इसे डॉक्टर के ले जाएगा। ऐसे करते हैं दुकान पर जाते हैं और इमरान को कहते हैं कि अभी जो है ना चला जाएगा डॉक्टर शकील भी जो है ना 15-20 मिनट में, वो कहते हैं कि मैं पहुँच जाऊँगा। भाई के साथ दोस्तों बाज़ार होकर आ गया हूँ मैं, और आते हुए जो ना हमने मछली ली है आज, फिर जो ना हमारा मछली खाने को दिल कर रहा है। आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ शुरू हुई हैं, सर्दियों में जो ना मछली बहुत ज़्यादा खाई जाती है। वैसे करते हैं मसाला वगैरह जो ना इसे लगाते हैं, मछली को जो ना आज दोबारा दोस्तों तल के खाते हैं। सबसे पहले अदरक और लहसुन को जो ना अच्छी तरह पीस रहे हैं, और इसके अंदर जो ना ज़ीरा भी डालेंगे, ज़ीरे से जो ना दोस्तों खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अदरक लहसुन और जीरे को जो है ना कुंडी सोटे के साथ अच्छी तरह पीस लिया है। इसके अंदर दोस्तों नींबू का रस और इमली का रस जो है ना इसके अंदर डाल लिया है। अब इसके ऊपर जो है ना मसाला लगाना है, इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मछली मसाला जो है ना वही हमारे पास बचा हुआ डब्बे के अंदर, 4 पैकेट थे। इसके अंदर एक चाट मसाला था, मसाले का पैकेट जो है ना खुला हुआ है। इसके अंदर अच्छी तरह जो है ना इसको मिलाएंगे। इसके अंदर अब आधी चम्मच जो है ना लाल मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन भी जो है ना इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर जो है ना ये बेसन डालेंगे, एक मुट्ठी जो है ना इसके अंदर बेसन की। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बेसन लगाने का मकसद ये है कि इससे जो है ना मसाला नहीं उतरेगा, जो हमने ये मछली मसाला इसको लगाया। इसको अच्छी तरह मिक्स करके और 1-1.5 घंटा जो है ना फिर इंतज़ार करेंगे। मछली को तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमने मसाला लगा के जो है ना रखा हुआ। वैसे करते हैं इसमें तलते हैं, फ्राई के अंदर जो है ना हमने घी डाल दिया, घी ना अब गर्म हो रहा है। और आज हमारे साथ जो ना फनान भी खड़ा है, ये भी किस लिए खड़े हो आप? दोस्त आप भी मछली पकाते थे तो बहुत मजा आ रहा। 4-5 मिनट हो गए, एक साइड जो ना तैयार हो गई होगी, अब इसको ना पलटने लगे हैं। ये वाली भी पलट, 3 पीस ज्यादा डाल दिए, वैसे बड़े बड़े 2 ही बहुत है। अफनान नहीं, अफनान जो है ना पंगे कर रहा है, कागज जला रहा है। मछली दोस्तों तैयार हो गई है, लिए आई हुई है दोस्तों। फनान ने क्या किया, किचन में से मछली उठा के जो है ना इसे डाल दी है। वो देखो कैसे मज़े से जो है ना बैठ के खा रही है। पहले यहाँ पर बैठी थी पौड़ियों के साथ, यहाँ पर बैठ के खा के गई है सुकून से, क्योंकि मैं बैठा अंदर मछली खा रहा था, और मुझे अब पता चला बिल्ली देखो वहाँ पर खा के जो है ना आराम से बैठ के दोबारा ये नीचे आएगी। तो अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलेंगे हम इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।